हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अपनी एक्सेल फाइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है कि शेयर वर्कबुक में जाके हम वहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन आते हैं, तो मैं उसके थ्रू नहीं बताऊँगा आपको, कोई दूसरा ऑप्शन बताऊँगा। सेकेंड, हम इसमें डिक्शनरी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, जैसे कोई हम इनकरेक्ट वर्ड अगर आपने लिखा है कोई राइट, और उसको आप देखना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्टली इसकी स्पेलिंग क्या है, तो ये वाला फंक्शन भी है इसमें, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है। फिर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको सजेशन मिल जाते हैं, और जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि बेसिकली कि आपका मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। और फोर्थ ऑप्शन बताऊँगा, रिबन कभी जैसे कि कभी हाइड हो जाता है और कभी दिखता नहीं है, क्योंकि एक्सटेंड बार में जाके वहाँ पर हमें फिर उसे ढूंढना पड़ता है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे रिबन का भी एक्सेल रिबन बेसिकली इस पार्ट को बोलते हैं, अगर ये कभी हाइड हो जाए और ये इनेबल ना हो, तो कई बार कभी कभी ये पूरी की पूरी चीज़ हाइड हो जाती है, तो इसको हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सेल में ही अवेलेबल होती हैं, और खाली हमें इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन पता होगी तो हम ईज़िली इसको हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो पहला हम देखते हैं रिबन वाला पार्ट। तो रिबन वाला पार्ट बेसिकली हमारे पास जैसे मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर ये वाला पार्ट देखेंगे, अप एरो टाइप का बना हुआ है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस होता है यहाँ पे। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैप्स एंड शो टैप्स इन कमांड। ऑटो हाइड में लिखता है कि ये हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट, राइट। शो टैप्स में आता है शो रिबन टैप्स ओनली, क्लिक अ टैप टू शो द कमांड्स, शो टैप्स एंड कमांड में शो रिबन एंड टैप्स एंड कमांड ऑल द टाइम। जैसे मेरा कभी गलती से मैंने कोई बटन प्रेस कर दिया और मेरा सपोज रिबन ही गायब हो गया यहाँ से, मतलब मेरे को जो पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे अब कौन सा प्रेस करना है, इस तरह से बार बार हाइड हो जाता है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को इनेबल होता है लेकिन डिसेबल हो जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है दो तीन ऑप्शन बचे हुए होते हैं, तो इन्हीं ऑप्शन में एक हमारे पास ऑप्शन होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो हाइड रिबन ये हमारा हाइड हो गया है, शो टैप्स, तो इस तरह के पास हमारे पास शो टैप्स दिखने लग गए हैं। अगर हम शो टैप्स इन कमांड दोनों पे क्लिक करेंगे तो हमारे पूरी की पूरी जितने भी रिबन के हमारे पास ये कमांड्स आते हैं ये सारे के सारे हमारे को इनेबल हो जाएंगे, राइट। और ये यहाँ से हटेंगे भी नहीं इस तरीके से, तो आप इन तीनों फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको जैसे रिबन कभी हाइड हो गया, आपको दिख नहीं पा रहा है, तो आप सिंपली इस बटन पे, माइट भी आपके सिनेरियो में हो सकता है कि ये बटन कहीं इधर उधर हो, लेकिन आप कभी हाइड हो जाता है, तो ये तीन ऑप्शन बेसिकली हमारे पास विजिबल होते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है इसका नाम। आप इसके पास अपना माउस को होवर करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा, तो सिंपली क्लिक करना है, हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। शो टैप्स, टॉप टैप्स में आपको खाली ये दिखेंगे, इनके इंटरनल पार्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप टैप्स एंड कमांड पर क्लिक करते हैं तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो रिबन वाला का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है कि जैसे डिक्शनरी हमारा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे बुक, राइट, तो मुझे इसकी स्पेलिंग चेक करनी है, तो इसके लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड में जाके F7 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे मैंने F7 का बटन प्रेस किया तो डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द शीट, नो लिख देते हैं यहाँ पर। आप एक दूसरे टैब में जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टूडेंट, एंड F5 प्रेस किया, F7 प्रेस किया, तो F7 प्रेस करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे करना था मुझे, F7 प्रेस किया तो F7 अभी मेरे ख्याल से अभी भी सिलेक्टेड नहीं था, F7 ये बार बार पता नहीं क्यों इधर चले जाता है मेरे बटन, स्टूडेंट F7, तो यहाँ पे देखेंगे स्पेल चेक कम्प्लीटेड, यू आर गुड टू गो। आपको सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको F7 का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ गलत स्पेलिंग लिख देता हूँ, स्टूडेंट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके मैं F7 का बटन प्रेस किया तो देखेंगे किसने मेरे को ऑटो सजेशन में दी थी, स्टंट एंड स्टूडेंट। और यहाँ से आप डिक्शनरी जो भी आप यूनाइटेड किंगडम जो भी मतलब आप यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, US, UK, सिंगापुर, फिलीपींस, और इसको चेक करके मैं ऑटो करेक्ट कर रहा हूँ, तो देखेंगे ये स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ गया है, स्पेल चेक कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं बुक लिखता हूँ, बुक, राइट,
इसको सिलेक्ट करके मैं F7 के बटन को प्रेस करता हूँ तो इसने मेरे पास कई ऑप्शन से दिए यहाँ पर बुक पॉप, तो जो भी आपको सही लगे उसे आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा टेक्स्ट सही हो जाएगा। तो आप अपने जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग करेक्शन के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो आप F7 का यूज़ करके एक्सेल की डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे पास, डिक्शनरी भी हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसका यूज़ कर सकते हैं वैसे। फिर आता है हमारे पास एक्सेल प्रोटेक्ट विद पासवर्ड, राइट। एक मेथड तो हमारा यहाँ पे होता है रिव्यू टैब में जाके, या तो हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट वर्कबुक प्रोटेक्ट शीट करते हैं जिससे कि कोई भी इन्हें इनेबल नहीं कर पाता है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको प्रोटेक्शन का दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपके शीट को कोई ओपन ना कर पाए जब तक उसके पास पासवर्ड ना हो, और ये काफ़ी ईजी तरीका है। तो आपको सिंपली अगर एक्सेल फाइल को आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सपोज़ आपके पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड आपने मल्टीपल रखे हुए हैं उसमें और कुछ भी चीज़ें रखी हुई है जिसे चाहते हो कि आप किसी और को ना लिखे, आप शेयर्ड किसी सिस्टम पे काम करते हो, आपकी फ़ाइल वहीं पे रहती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है जिसमें, तो उसके लिए आप ये पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल का नाम है डेटा शीट, राइट। अभी इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है, तो इसके लिए मैं सिंपली फ़ाइल पर जाऊँगा। फ़ाइल पर जाने का प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक करके यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन आता है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे आता है मेरे पास इनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल पासवर्ड, इफ़ यू लूज और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड एंड दियर कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट नेम्स इन अ सेफ प्लेस, रिमेंबर दैट पासवर्ड आर केस सेंसिटिव, राइट। इट मीन्स दैट अगर आप कोई भी पासवर्ड रखते हो तो आप इसे भूल गए तो आपको रिकवर नहीं होगा। तो आप कोई भी पासवर्ड रखें तो कोई इजी सा रखिए जो आप नॉर्मली सभी चीज़ का रखते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो अपना नेम और एम्प्लॉय आईडी का कॉम्बिनेशन बना के, डेट ऑफ बर्थ का कोई कॉम्बिनेशन बना के, फ़ोन नंबर का कोई कॉम्बिनेशन बना के, इस तरह से रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं आपको गलत आता है बार बार तो इस फाइल को आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक सिंपल से पासवर्ड रखिए, कोई मतलब ऐसा खतरनाक सा पासवर्ड रखने की ज़रूरत नहीं जिसमें कि 15-20 स्पेशल कैरेक्टर ये वो 123, नॉर्मल पासवर्ड रखिए। अभी सिंपल मैं अभी यहाँ पे 123 पासवर्ड रख रहा हूँ, 123 रखा मैंने। इसके बाद ये री एंटर पासवर्ड के लिए आता है ऑप्शन है, बार बार मेरे पे इस तरह की ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि अगर मैं लूज़ कर देता हूँ तो मैं इसको रिकवर नहीं कर पाऊँगा। 123 मैंने ओके किया और इसके बाद मैं बैक जाके, आपको फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन इस पर अप्लाई नहीं होगा। आप नॉर्मली बंद कर देंगे तो आप सोचेंगे इसमें लगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद सेव करना ज़रूरी है इसे, राइट। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और सिंपली जाता हूँ अपनी डेटा शीट पे, इसी फाइल पे मैंने प्रोटेक्शन लगाई है 628 628, आप देख सकते हैं वही टाइम है, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए इसमें आपका पासवर्ड आ रहा है, तो मैं 123 डालूंगा तो ये मेरा ओपन हो जाएगा, राइट। और फिर एक बार गलत पासवर्ड डाल के देखते हैं इसमें 234, और इसने मेरे पास ये दे दिया पासवर्ड यू अपलोडेड इज नॉट करेक्ट, वेरीफाई दैट इज कैप्स लॉक कीज ऑफ एंड बी श्योर टू यूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन, कि इसमें मैंने कोई कैपिटल लेटर इस तरह से कुछ डाला हुआ है, और ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, खाली एक्सेल की मेरे को एप्लीकेशन दिख रही है लेकिन मेरी वर्कशीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जब तक मैं इसमें करेक्ट पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक ये मेरा ओपन नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें पासवर्ड रखेंगे तो एक सिंपल सा पासवर्ड रखेंगे। नॉर्मली पासवर्ड वाले केसेस में यही होता है कि गलत पासवर्ड अगर आप जीमेल और याहू वगैरह में डाल देते तो आपके पास फ़ोन में ओटीपी वगैरह आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ओटीपी नहीं आएगा। तो आप सिंपल सा पासवर्ड रखिए जो कि आपको याद हो, इतना सिंपल भी 123 तो मत रखना, लेकिन कोई ऐसा पासवर्ड जो आपको मतलब याद रहे, और केस सेंसिटिव वगैरह भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक डॉट टाइप का बन जाता है। तो आप इस तरीके से तीनों फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट विद पासवर्ड बताया मैंने आपको, डिक्शनरी बताया एंड रिबन बताया, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।